तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए रूल ब्रेकर को और साथ ही साथ प्रेस कीजिए उस बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन को ताकि आप मेरे वीडियोस देख सकें सबसे पहले। हे गाइस, मी चार्ली हियर एंड वेलकम बैक टू रूल ब्रेकर। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डॉक्सिंग के बारे में या फिर डॉक्सिंग अटैक के बारे में कि डॉक्सिंग अटैक क्या है, ये कैसे काम कर सकते हैं, आप कैसे डॉक्सिंग अटैक से बच सकते हैं और इसके बारे में और भी बहुत कुछ। तो ज़्यादा देर न करके आइए शुरू करते हैं। डॉक्सिंग अटैक, तो दोस्तों एकदम सीधा और सिंपल लैंग्वेज में डॉक्सिंग अटैक का मीनिंग होता है किसी का पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकालना इंटरनेट से हैकिंग के माध्यम से। यानी कि डॉक्सिंग अटैक से आप किसी का भी कुछ भी पर्सनल डिटेल्स जो कि इंटरनेट पे है वो निकाल सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं, उसको आप डॉक्सिंग कह सकते हैं। और डॉक्सिंग बहुत सारे माध्यम से किया जाता है, जैसे कि आप ऐसे ही नॉर्मल सर्च करके आपको कुछ डाटा मिल गया वो भी एक टाइप का डॉक्सिंग है, लेकिन हाँ आप डॉक्सिंग अटैक नहीं कह सकते। जैसे आपको अलग से DDoS अटैक करना होता है किसी वेबसाइट पे या फिर कोई दूसरा अटैक करना होता है, ब्रूट फोर्स अटैक करना होता है, ऐसे भी डॉक्सिंग अटैक भी किया जा सकता है। उसके बहुत सारे टूल्स भी मिल जाते हैं, बहुत कुछ मिल जाते हैं। तो डॉक्सिंग अटैक से जो है काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन आप इंटरनेट से निकाल सकते हैं किसी एक पर्सन का। तो दोस्तों ये फ़िलहाल के लिए आपके लिए तो उतना इम्पोर्टेंट है नहीं कि आप किसी का पर्सनल डाटा निकालें, हो भी सकता है, लेकिन सबसे मेन बात यह है कि कोई आपका डाटा तो नहीं निकाल रहा इंटरनेट से डॉक्सिंग अटैक करके, आपको तो नहीं पता चलेगा ना। कोई अगर आपका सारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है या फिर और भी कुछ कर रहा है तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, और लेकिन उतना भी नहीं हो सकता। लेकिन मेन चीज़ जो है डॉक्सिंग अटैक ज़्यादा से ज़्यादा जो है फेमस पर्सन के ऊपर, सेलिब्रिटीज़ के ऊपर किया जाता है उनका पर्सनल डाटा निकालने के लिए, उनका नाम, एड्रेस, घर का एड्रेस, फैमिली मेम्बर, बाहर में कोई है, फ़ोन नंबर क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, बैंक अकाउंट नंबर क्या है, और भी सारा डिटेल जो है आप डॉक्सिंग अटैक से निकाला जा सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये जो है किसी फेमस पर्सन के ऊपर ही किया जाता है। अब इतने में अगर आप ऐसा बोलें कि भाई डॉक्सिंग अटैक अगर मेरे पे हुआ, मेरा डाटा कुछ ले लिया, तो आई एम ओके विद इट, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा पर्सनल डाटा अगर किसी के पास गया तो क्या होगा, क्या कर लेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम है। अगर आप भी एक नॉर्मल इंसान हैं और आपका डाटा किसी ने निकाल लिया इंटरनेट से, आपका सारा पर्सनल डाटा, तो वो जो है आपके साथ आपके डाटा के लेके बहुत कुछ मतलब उल्टा फुल्टा काम कर सकता है। वो आपके जो है किसी नेबर को कांटेक्ट कर सकता है, किसी फैमिली मेम्बर को कांटेक्ट कर सकता है, आपके बैंक अकाउंट को रखे कॉन्वाइस कर सकता है पैसा देने के लिए, या फिर आपकी फैमिली मेम्बर किसी दूसरे मेम्बर से पैसा ले सकता है। ये तो नॉर्मल छोटा सा बात हुआ। अगर आपके पास सारा डाटा मतलब आपका सारा डाटा उसके पास हुआ तो वो आप जैसा बिहेव कर सकते हैं, मतलब वो अगर इंटरनेट पे कुछ और काम करें और आपको फंसा सकता है, अगर वो कहीं पे जाए वहाँ पे आपका सारा पर्सनल डाटा दे दे तो वो तो सब कुछ मैच हो जाएगा, फिर वहाँ पे कुछ गलत काम करे तो जो है आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकता है। और ऐसा बहुत सारा लोग करते भी हैं डॉक्सिंग अटैक पे। तो मेन डॉक्सिंग अटैक क्या है ये जानना उतना तो मुश्किल नहीं है, सिर्फ किसी का इन्फॉर्मेशन निकालना है ये डॉक्सिंग अटैक कह सकता है, लेकिन इससे आप कैसे बचे ये मेन टॉपिक है। आप डॉक्सिंग अटैक अगर आप पे किया जाए आपको तो पता भी नहीं चलेगा कि कोई आपको आपका इंटरनेट से आपका मतलब सारा पर्सनल डाटा निकाल रहा है, लेकिन आप कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों पहले आते हैं नॉर्मल सी बात है, आप फेसबुक पे जो है बहुत सारा फ़न एप्लीकेशन ट्राई करते होंगे आजकल सब लोग करते हैं, जैसे कि आप नेक्स्ट जन्म में क्या बनोगे, या फिर आपका फेस किस फेवरेट मतलब किस हीरो से मैच करता है, आपके साथ किसका शादी होगी, आप कब मरोगे, ऐसा बहुत सारा एप्लीकेशन जो है मिल जाता है फेसबुक पे। तो वहाँ पे जाके या फिर कोई भी दूसरा वेबसाइट पे जहाँ पे आप लॉगिन करते हैं वहाँ पे नीचे होता है लॉगिन विद फेसबुक और लॉगिन विद जीमेल का ऑप्शन होता है, आप वहाँ पे क्लिक करते हैं लॉगिन विद फेसबुक पे तो वो आपको डायरेक्ट फेसबुक पेज में लेके जाता है, वहाँ से आपको परमिशन देना होता है, नीचे ओके में प्रेस करना होता है तो जो है वो काम करने शुरू कर देता है। तब आपको वहाँ पे देखना है कि जब ओके प्रेस कर रहे हैं उसके ऊपर फेसबुक एक डिटेल दिखाता है कि वो वेबसाइट या फिर वो ऐप आपसे क्या क्या डाटा ले रहा है। अगर आपको लगे कुछ अननेसेसरी डाटा ले रहा है, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ हो, आपका कुछ पर्सनल डाटा हो, कुछ फ़ोन नंबर हो, कुछ फ्रेंड लिस्ट हो, ईमेल एड्रेस हो, कुछ उल्टा फुल्टा डाटा ले रहा है जो कि उसको ज़रूरत नहीं, फिर उतना डाटा आप देना नहीं चाहते, तो प्लीज़ वहाँ पर ओके मत क्लिक कीजिएगा। एक फ़न एप्लीकेशन आप यूज़ ना भी करें तो आपको चलेगा, लेकिन आप नहीं चाहते कि आपके ऊपर डॉक्सिंग अटैक हो, क्योंकि वो सब जो है
ट्रस्टेबल नहीं है। बहुत सारे ट्रस्टेबल एप्लीकेशन वेबसाइट भी होता है, या फिर लॉगिन विद फेसबुक का ऑप्शन बहुत सारे ट्रस्टेड वेबसाइट में भी होता है, वहाँ पे आप कर सकते हैं। देखिए फेमस जो जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप कर सकते हैं, अमेजॉन फ्लिपकार्ट ये सब आम बात है, यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन जो छोटे मोटे वेबसाइट होते हैं वो क्या करते हैं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि वो आपका डाटा लीक कर ही देगा, मतलब 100% श्योर करेगा ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ कर भी सकते हैं। और उस वेबसाइट का जो है सिक्योरिटी भी उतना खास कुछ ज़्यादा नहीं होता, तो उनको क्रैक करना भी ज़्यादा मतलब मुश्किल नहीं है, तो वहाँ से आपको डाटा आपका डाटा जो है निकाल सकते हैं। जैसे मैंने लॉगिन विद फेसबुक बोला, ऐसे ही लॉगिन विद जीमेल भी होता है और भी बहुत सारा कुछ होता है। सेकंड, आप किसी भी अनट्रस्टेड वेबसाइट में जाके अगर अकाउंट बनाइएगा, कोई भी अकाउंट बनाइएगा, जैसे कि कुछ पॉर्न वेबसाइट पर जाके या फिर कोई भी छोटा मोटा वेबसाइट पर जाके, और वहाँ पर आपका सारा कुछ डिटेल्स मांग रहा है, तो आप प्लीज़ मत दीजिएगा। आप जो है वहाँ पर अगर आपका नाम एड्रेस वेड्रेस सब कुछ दे रहा है तो कोई डुप्लीकेट यूज़ कीजिए, या फिर अपना ओरिजिनल नहीं दीजिए, फिर अकाउंट ही मत बनाइए। अगर अकाउंट बनाना एसेंशियल है, बनाना ही पड़ेगा, तो कुछ डुप्लीकेट यूज़ कीजिए। मैं तो बोलूँगा ईमेल एड्रेस भी डुप्लीकेट यूज़ कीजिए, आपको बहुत सारा टेम्पोररी ईमेल का वेबसाइट मिलेगा, टेम्प मेल या मेल वो भी यूज़ कीजिए, या फिर कोई और कीजिए, अपना पर्सनल डाटा जो है नहीं दीजिए। और भी ऐसा भी बहुत सारा एप्लीकेशन होता है या वेबसाइट होता है, वहाँ पर मत दीजिएगा, तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेफ रहेंगे। तो मेन बात आपका बैंक का डिटेल जो है, बैंकिंग अकाउंट का डिटेल आप अपने बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट को छोड़ के कहीं पे भी मत दीजिएगा। हाँ, आप जो शॉपिंग वेबसाइट है, ट्रस्टेड शॉपिंग वेबसाइट है, वहाँ पे जाके दे सकते हैं, फ्लिपकार्ट अमेजोन जो कुछ होता है, स्नैपडील, बाकी कुछ भी छोटा मोटा वेबसाइट में आपका वो सारा डिटेल्स मत दीजिए। उसके बाद अगर आप कोई वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं या फिर बनाने जा रहे हैं, वेबसाइट बनाने का टाइम आपका पूरा डिटेल्स वो लोग लेते हैं, वो एसेंशियल है, आपको देना ही पड़ेगा। तो जब आप वो देंगे तो वो बनाने के बाद एक बैरियर नाम का चीज़ होता है, अगर आप अपने वेबसाइट पे बैरियर लगाएंगे तो वो कुछ एक्स्ट्रा पैसा आपको चार्ज करता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसा बचाने के लिए बैरियर नहीं लगाते हैं। अब बैरियर जाने की सिक्योरिटी है, अगर आप बैरियर लगाएं तो आपका डाटा जो है मतलब सिक्योर रहेगा, कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा, कोई भी आपका डिटेल्स जो है नहीं निकाल पाएगा। तो कुछ पैसे बचाने के लिए आप ऐसा मत कीजिए, अगर आपको वेबसाइट बनाना ही है तो थोड़ा सा पैसा बैरियर में भी दीजिए, वहाँ पर जाके आपको वेबसाइट का जो है सिक्योर कीजिए, ताकि आपका डाटा कोई निकाल नहीं सकता है। अगर डाटा निकाल लें तो आपको तो पता ही है क्या क्या वो कर सकता है। तो आई होप दोस्तों आपको डॉक्सिंग के बारे में कुछ डाटा जो है सब कुछ क्लियर हो चुका होगा कि डॉक्सिंग में आपको आप कैसे सेफ रह सकते हैं, ये हमारा मेन टॉपिक है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो एक बार लाइक कर दीजिए, और क्या ऐसे ही देखते रहिए रूल ब्रेकर। जय हिंद।